हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है समायरा नरूला एंड फैमिली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सुबह के बज चुके हैं 10 और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, क्योंकि समायरा और समायरा के पापा सो रहे थे तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। तो मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लेन परांठा एंड गार्लिक और जिंजर की चटनी। इधर है हमारी स्टील के गिलास में गरम गरम चाय और समायरा खाएगी प्लेन परांठा बटर के साथ। आज कर्ड नहीं है समायरा कर्ड खत्म हो गई, इसीलिए बटर के साथ परांठा खाएगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? गुड थैंक यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस वी आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच। तो चलो चटनी टेस्ट करके बताओ मुझे कैसी बनी है ये। एक्चुअली चटनी मैंने सुबह सुबह जल्दी बना दी थी कि आज ब्रेकफास्ट में हम लोग खाएंगे परांठे के साथ। अच्छी बनी है ना, जिसकी नींद में आंखें खुली नहीं है लेकिन ये खाने के बाद आंख खुल जाएगी। इतनी मिर्ची है गाइस, देखो कितनी मिर्ची है इसमें, क्योंकि ये इसमें मैंने रेड चिली डाली है, वो दूसरी वाली जैसी ग्रीन होती है वैसे वाली रेड चिली, और साथ में गार्लिक अनियन टमाटो जिंजर। ज्यादा नहीं लगा सकते आप, ज्यादा स्पाइसी बन गई क्या? स्मारा देख रही है, स्मारा ट्राई करो। तो गाइस अभी हो चुका है लंच टाइम, तो घर पे कोई सब्जी नहीं है जिससे आप खाना बनाए। सही बात है। तो अभी पापा और मैं जा रहे हैं सब्जी लेने, तो देखते हैं हम कौन सी सब्जी लेकर आते हैं। कोई भी ले आना, लेकिन कद्दू मत लेकर आना। हम तो लेकर ही आएंगे। आप जब भी दोनों जाते हो सब्जी लेने और कद्दू ही लेकर घर पे आते हो, तो आज कद्दू आएगा और कद्दू का रायता बनेगा। यस। तो आपको खाना ही नहीं खाना? मैं रायता तो खा लूंगी, लेकिन आप सब्जी में कोई अच्छी सब्जी लेकर आना प्लीज। हम तो कद्दू लेके आएंगे। कद्दू ले आना, कद्दू का रायता बना दूंगी, लेकिन साथ में कोई सब्जी भी तो चाहिए ना खाने के लिए। केले रायते से क्या खाना खाओगे आप? तो आप तो सब्जी बना ही लेते हो, हमें सब्जी लाने की जरूरत क्या है? बनाई ले तो लेकर आओगे तो बनाऊंगी, घर पे कोई सब्जी पड़ी नहीं है। चलो सुमायरा कद्दू लेके आए। चलो मामा को कद्दू खिलाएंगे। मायरा। हाँ जी। ये देखो मैंने फ्रिज खोला कोई सब्जी देखने के लिए, कद्दू बना था। कद्दू मत लेके आना, हम तो लेकर आएंगे, उसके हम सब्जी बना लेंगे। तो इसकी सब्जी, इसका रायता बनाऊंगी मैं, कद्दू मत लेकर आना, ठीक है? ओके। ये है अरबी, ये तो मेरी फेवरेट है। तो गाइस सब्जी लेने के बाद मायरा को कुछ लेना है खुद के लिए, तो देखो मुझे कौन से सेक्शन में लेके आई है, जहाँ पर इतने सारे चॉकलेट्स हैं। यस। तो फिर आपको चॉकलेट खाने हैं? यस। तो मैं सिलेक्ट करूंगी मैं कौन सा चॉकलेट खाऊंगी। पापा आप मुझे पूछ रहे थे ना कि मार्स क्या होता है, ये होता है मार्स। ओके। तो आपको चॉकलेट खाना जरूरी है? टीथ तो पहले नहीं आ रहा आपका। कोई बात नहीं, हमें टीथ से कोई मतलब नहीं है। क्यों? जब टीथ नहीं होंगे तो हम चॉकलेट कैसे खाएंगे? खाएंगे इस वाले दांत से। सही है। अपना फेवरेट चॉकलेट ओरियो वाला। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं बिलिंग काउंटर की तरफ, चलो। चलो तुम्हारा बिल करवाओ। यस। पे करो आप। पे तो आप ही करोगे। क्यों? आप करोगे। व्हाई शुड आई पे? क्योंकि आपका सामान है ये। चॉकलेट तो आपका है ना। हाँ, चॉकलेट के पैसे मैं भर दूंगी, 20 रुपए का ये चॉकलेट है। पक्का? पक्का नहीं। ये सब्जी? यस। क्या लेकर आयो? खुद ही देख लो। मैंगो अच्छे बने हैं, अब वही वैरायटी खराब थी आज भी। अच्छे बने हैं। अच्छे बने हैं। कैसे मेरे को एक्साइटमेंट होती है ना कि मेरे लिए गिफ्ट आया, गिफ्ट आया। मेरे मम्मा को एक्साइटमेंट होगी मेरे लिए गिफ्ट आया, गिफ्ट आया। तो मैंगो का सीजन है, मैंगो अच्छे लगते हैं। और सब्जी में क्या लेकर आए हो? मेरे को वो दिखाओ। सब्जी में कुकुम्बर इधर लेके आओ। यही करके देखते हैं क्या क्या लेके आए हो आप। वो जैसे माल आता है ना कोई स्टोर पर, वैसे वो देखते हैं ना। चेक करते हैं ना माल पूरा या नहीं। यस। अंदर मुझे कुछ दिखा है अभी?
वो किसके लिए है? पापा के लिए। अरबी मायरा की फेवरेट है, ग्रेवी वाली अरबी। ये तो आप अच्छा करो कि हम कद्दू नहीं लेकर आए। कद्दू पड़ा ही था इसलिए नहीं लेके आए। मैंने रायता पीछे से रेडी भी कर दिया है। ठीक है, लेमन पम्पकिन हम लोग सब्स्टिट्यूट ले आए उसका, कद्दू का सब्स्टिट्यूट पम्पकिन। ये तो चलो फिर भी ठीक है। ये लेमन है अंदर, ये मेरे लिए है ना? नहीं पापा के लिए है। ये मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या लेके आए? आपके लिए हमने कराए सब्जियां। मेरे लिए सब्जियां, आपको फिर सब्जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देखो इसी के साथ खाना खाना। ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास रेस्टोरेंट है ना। अगर स्विगी ना होता तो हमें खाना नहीं मिलता। डेली स्विगी खिला रहा है ना आपको खाना? यस यस। ये दोनों माँ बेटी ऐसी लड़ती रहती है सारा दिन। चलो ये दूध बन जाएगा इसका, फिर खाते रहना पीते रहना। तो गाइस अब मैं क्या सब्जी में बनाऊं बताओ, क्या लेके आई है ये? जब देखो ये उठा के ले आते हैं, या कद्दू ले आते हैं, या उसका भाई ले आते हैं पेठा। और कुछ सब्जी भी नहीं है, अरबी बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो सुमायरा आपके लिए पनीर बना दूं मैं आज? आप पनीर खाओगे? नहीं अभी रात को तो खाया था पनीर। रोज रोज पनीर ही खाते रहेंगे क्या? सुमायरा के पापा आप क्या खाओगे? मुझे जो मर्जी खिला दो। एक काम करो, मैं तो बेचारा, हाँ मैं तो बेचारा साऊ इंसान हूँ, आप मुझे बस खिलाते रहो। वो तो ब्रेड के ऊपर डालना होता है। वो न्यूटेला होती है, न्यूटेला क्या होती है वो? न्यूटेला। न्यूटेला हाँ, मैं न्यूट्रेला की बात कर रही हूँ। सोयाबीन नहीं होती, सोयाबीन वो बना दूँ? खा लोगे आप? वो तो खा लोगे। यस ठीक है, तो चलिए आज सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं साथ में। रायता ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, सिर्फ मैं कर्ड का वेट कर रही थी। हमारे जो कद्दू है ना, कद्दू वो बॉइल हो चुका है, और साथ में मैंने उसमें मिक्स कर दिया आलू ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। तो रायता फिर बनाएंगे बाद में, पहले हम रेडी होंगे, घर को क्लीन करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे और फिर आपके साथ रायते की रेसिपी शेयर करेंगे और फिर आप हमारे साथ लंच करना, डिनर बोलने वाली थी। तो हम यहाँ पे घर का सारा काम करके फ्री हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, अभी बारी है लंच की। और लंच में हमने जैसे कि आपको बताया था कि बनाने वाले हैं रायता, कद्दू और आलू का, तो चलिए मिलकर बनाते हैं। ये है हमारी कर्ड, यहाँ पे कद्दू और आलू रेडी हैं। सबसे पहले हम कर्ड में ऐड करेंगे वाटर, इसमें हम ऐड करेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। पूरे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कद्दू, सुमायरा का फेवरेट। रायता हमारा रेडी हो चुका है, देखिए किस किस को पसंद है कमेंट्स में बताइए, और आपका फेवरेट रायता कौन सा है वो भी कमेंट्स में बताइए। सब्जी में मैंने बनाया है पनीर ग्रेवी वाला और साथ में सोयाबीन की सब्जी। तो लंच लगाते हैं, फिर लंच करने के बाद कोई और एक्टिविटी आगे की करते हैं, तो आप इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो गाइस हो चुकी है इवनिंग और सुमायरा के पापा अपने ऑफिस के काम से फ्री हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी टेरेस पे सुमायरा की वीडियो शूट करने, और सुमायरा ऊपर करेगी थोड़ी सी मस्ती ठंडे ठंडे मौसम में। बाहर खड़ी है देखो अपना स्केटर लेके। लिफ्ट आ गई क्या? yes. चलो फिर जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी 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 लाइट्स ऑफ करें। हमारे फ्लोर पर ही है। अपने फ्लोर पे ही है? चलो फिर प्रेस करो अंदर, अभी चलो। एक सेकंड में खुल जाएगी। वीडियोस बनाओगे ऊपर? यस। ओके। और जो वीडियोस हम शूट करेंगे वो पोस्ट होंगे सुमायरा के इंस्टाग्राम पे और सुमायरा के यूट्यूब पे। तो यूट्यूब सुमायरा नरूला ऑफिशियल और इंस्टाग्राम सुमायरा नरूला, फॉलो करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। थोड़ी अपना सामान लेकर आते हुए।
लेकिन लगता है बारिश आएगी, क्लाउड्स हैं। बारिश नहीं आएगी यार। नहीं, उस तरफ क्लाउड्स तो हैं। अच्छी खासी धूप है। ये देखो हमारे कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सूट केस सूख रहा है। मायरा मस्ती करती हुई अपनी। चलो पहले वीडियो शूट करें। नहीं नहीं, कैसे स्टंट करती है ये ना। तो ये टेरेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी मायरा की, जो ये पापा के साथ करती है। ये देखो हेलो, छोड़ो हाथ, छोड़ो हाथ, पकड़ रखे हैं उसके, छोड़ दो। लटक गई थी निगाना एंड और रेड हो गए। तो गाइस अभी हम वीडियो बनाना स्टार्ट करने ही वाले थे कि हमें फोन आया कोरियर गाय का, तो हमारा एक पार्सल आया है मायरा के पापा पिक करने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो वो टेरेस पे ही आएंगे, नहीं तो फोर्थ फ्लोर तक आएंगे। तो देखते हैं पार्सल किसने भेजा है और उसमें क्या है। लेकिन इतना पता चल गया है कि ब्राउन कलर का पेपर है उसके ऊपर। अभी हम वीडियोस बना लें, उसके बाद आप सबके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि नहीं तो अंधेरा हो जाएगा ऊपर और मायरा को छुट्टी मिल जाएगी वीडियोस बनाने की। तो बेटर है पहले वीडियोस शूट करते हैं, उसके बाद पार्सल को ओपन करते हैं। कहाँ है पार्सल? हाँ, ब्राउन कलर का, मायरा ने बताया ना। इसके अंदर मायरा के लिए है, मेरे लिए है, या फिर मायरा के पापा के लिए है। मायरा के पापा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, हर चीज आप ही के लिए आएगी क्या? यस। चलो देखते हैं फिर गाइस, वेट कीजिए आप 5 मिनट्स, मैं मायरा की एक वीडियो शूट कर लूं, उसके बाद हम करेंगे इस पार्सल को ओपन। तो मायरा की वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट होंगी, मायरा के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अभी हम करने जा रहे हैं पार्सल की अनबॉक्सिंग और फिर आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या है। मायरा अभी भी खेल रही है। तो ये बेसिकली पार्सल आया है मेरठ से। मेरठ से? ओके। प्लीज पापा के लिए मत हो। क्यों भाई? क्योंकि हर कुछ मेरे लिए होना चाहिए। सब कुछ आपके लिए होना चाहिए। वो तो ओपन करने में पता चलेगा आपके लिए है मेरे लिए है। क्या पता हम तीनों के लिए निकल जाए। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पैकेट ही छोटा सा है। दोनों एक्साइटेड है। किसके लिए आए हैं? पता नहीं। नहीं, फुटवियर नहीं है इसके अंदर, कुछ और ही है। क्या है? ओपन करो अभी, फिर पता चलेगा क्या है। रुको रुको रुको, इतनी एक्साइटमेंट मत दिखाओ इस मायरा, ये तो बाजी पलट गई है। ये आया है मायरा के पापा के लिए। ये कुर्ता क्यों आया? हम आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं पूरा लुक कुर्ते का। ये देखिए, ग्रीन कलर का कुर्ता विद येलो बटन, ये डिजाइन है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी तो पहना ही नहीं है। पहनेंगे ना फिर, जैसे कि आपने 100K में मायरा की पहनी हुई ड्रेस देखी थी और उसका अनबॉक्सिंग ब्लॉग भी देखा होगा, और उन्होंने ही आज मायरा के पापा के लिए कुर्ता भेजा है ग्रीन कलर का। उनकी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल मित्रा यू टेलर बड़ी, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था, और उनकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। पहले तो आपने हमारे कॉम्बोज देखे थे, मायरा की ड्रेस देखी थी, तो उन्होंने मायरा के पापा के लिए भी ड्रेस भेजी है, तो आपको कलेक्शन का आइडिया हो गया होगा। तो आप जल्दी से उनके पेज पर जाएं, कलेक्शन देखें, कुछ पसंद आए तो परचेज करें और उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मायरा के पापा, आपके लिए पहली बार किसी ने कुछ भेजा है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। और मुझे बहुत गंदा। तो हमेशा जो भी गिफ्ट्स भेजते हैं वो मेरे लिए और मायरा के लिए या तो कॉम्बोज होता है या फिर सिर्फ मायरा के लिए होता है। तो आज फर्स्ट टाइम किसी ने मायरा के पापा के लिए कुर्ता बना के भेजा, इतने प्यार से और इतना सुंदर कलर उन्होंने बनाया है और सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो थैंक यू सो मच स्टाइल मित्रा फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल कुर्ता फॉर माई पतिदेव।
एंड ही इज सो हैप्पी। थैंक यू स्टाइल मित्रा। अभी हो चुका है यहाँ पे अंधेरा और हम जा रहे हैं नीचे, तो नीचे जाके स्मायरा एक और एक्टिविटी करने वाली है जो आपने हमारे पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा होगा कि स्मायरा ब्लॉग्स लेके आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि फिर किसी दिन हम उसकी एक्टिविटी करेंगे, तो आज स्मायरा आपको वो एक्टिविटी करके दिखाएगी। तो उससे पहले जल्दी से आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। स्मायरा अपने ब्लॉग्स लेकर बैठ चुकी है और पापा भी साथ में आ गए हैं एक्टिविटी करने के लिए, तो अभी ये ओपन करते हैं। बहुत छोटे हैं ये ब्लॉक्स, ऐसे फिक्स कैसे होंगे ये? ऐसे। अच्छा, इसको स्टैंड करना है? यस। पापा यहाँ पे आओ। तो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ये देखिए ब्लॉक्स कैसे स्टैंड कर रहे हैं। सर्कल बनाओगे क्या? यस, सर्कल बनाना पापा। तो सर्कल ड्रॉ करते पहले आप। सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर। तो आप सर्कल पहले ड्रॉ करो, प्लेट लेके आओ एक। वो, यस। सर्कल ड्रॉ करते हुए और इस सर्कल के ऊपर ही इन्होंने चौक ही तोड़ दिया, ब्लॉक्स को रखना है। ओ, अब काफी है। हाँ, इनफ है। इसके ऊपर करना बेटा। हाँ, ये लाइन के ऊपर ऊपर। ये सर्कल हमारा बन चुका है विद लॉट्स ऑफ कलर्स और स्मायरा आपको करके दिखाएगी इसकी एक्टिविटी। स्मायरा स्टार्ट। ओ माय गॉड, ओ आप रह गए, अटक गया ये ब्लॉग, अटक गया है। देखो कितना टाइम लगा था इसको बनाने में और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये टूट गया। हाँ, तो ये था हमारा आज का रूटीन और ब्लॉग्स की एक्टिविटी आप सबके साथ। कैसा लगा आपको जल्दी से हमें कमेंट्स में बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।